द विजडम, जी हाँ द विजडम, ये नाम है आज के हमारे इस लग्जरियस विला का जो आज हम आपको शो करने वाले हैं। 300 गज का 12 मरले का ये विला रहने वाला है। 302 गज एग्जैक्ट साइज रहेगा, अप्रोक्सीमेट 36x75 का साइज होता है। डायमेंशन की अगर बात करते हैं हम, और जो लोकेशन है द विजडम की वो सबसे प्राइम है पूरे न्यू चंडीगढ़ के अंदर। जी हाँ, ओमैक्स फेस 1 न्यू चंडीगढ़। ओमैक्स फेस 1, जी हाँ ओमैक्स फेस 1 की जैसे आज हम बात कर रहे हैं। फेस 1 के बारे में मेरे को ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, जो इन्होंने ऑलरेडी ओमैक्स को विजिट कर रखा है, क्योंकि जब भी कोई विजिट करता है ओमैक्स के एरिया को, फेस 1 उसके लिए एक ड्रीम लोकेशन बन जाता है पूरे न्यू चंडीगढ़ के अंदर। यहाँ पे काफी अच्छे पार्क्स हैं जो वेल मेंटेन है कंपनी की तरफ से। क्लब हाउस फुली ऑपरेशनल है, मार्केट फुली ऑपरेशनल है, हर एक चीज की जो फैसिलिटी है आपको ओमैक्स फेस 1 में इजिली मिल जाती है, इजिली अवेल हो जाती है। तो उसी प्राइम लोकेशन के अंदर, सिक्योर्ड एरिया के अंदर आज का हमारा ये विला है द विजडम। अभी आपने कुछ हाइलाइट्स देखे हमारे द विजडम अल्ट्रा लग्जरियस कंसेप्ट के, तो होपफुली आपको पसंद आए होंगे। तो वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि वीडियो स्किप करोगे तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आप खो जाओगे एक लग्जरियस होम की। चाहे आपका घर लेने का प्लान है या घर बनाने का प्लान है, दोनों में ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है, क्योंकि एक से एक आइडिया है जो हमारे आर्किटेक्ट ने, हमारे बिल्डर्स ने इसमें यूज़ किया है। तो आइए आगे देखते हैं। सबसे पहले फ्रंट की हम बात करते हैं। फ्रंट पे 40 फीट की कंक्रीट वाइड रोड मिल जाएगी आपको ओमैक्स के अंदर। मिनिमम 40 फीट की रोड मैंडेटरी मिलती है, तो इसके आगे भी हमारी 40 फीट की रोड है जो कंक्रीट से बनी हुई है। कंक्रीट की रोड को जल्दी मेंटेनेंस की जरूरत नहीं पड़ती, काफ़ी लॉन्ग टर्म चलती है। देन उसके बाद हमारा आता है बम एरिया। जी हाँ, यहाँ आप बम एरिया में देख रहे हो प्रॉपर, यहाँ पे आपको प्रोविजनिंग मिल जाएगी आपके ग्रीन एरिया की, जहाँ पे काफी अच्छे फ्लावर्स प्लांट किए हैं। देन आप देख सकते हैं प्लांटेशन बड़े बखूबी तरीके से की है, कि ग्रीनरी का पूरा ध्यान रखा है द विजडम के अंदर, इस अल्ट्रा लग्जरी कंसेप्ट के अंदर। देन ब्लैकिश थीम के अंदर देखो इसकी एलिवेशन को तैयार किया है, जिसके अंदर वुडन वर्क काफी बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के लिए यहाँ पे प्रॉपर आपको डोरवेल दी गई है विद कैमरा। देन एक वाइड एंट्रेंस है। और अगर गाड़ियों की पार्किंग की बात करते हैं, घर के अंदर तो पार्किंग का प्रोविजन है ही, घर के बाहर भी आप दो बड़ी गाड़ियां इजिली पार्क कर सकते हैं, एक इस तरीके से एक यहाँ, तो आपको पार्किंग का कोई भी इशू नहीं आने वाला इस विला के अंदर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि वाइड एंट्रेंस है, इसके लिए हमने क्या किया है, इसके लिए आपको दे दिया एक स्लाइडर डोर, जो कि आप देख सकते हैं जैसे ही रिमोट प्रेस करेंगे तो स्लाइड हो जाएगा, आप इजीली अपनी गाड़ी पार्क कर सकेंगे। देन गाइस, उसके बाद हम आ चुके हैं हमारे इंटरनल पार्किंग एरिया के अंदर। यहाँ भी आप दो बड़ी गाड़ियाँ इजिली पार्क कर सकते हैं। टोटल अगर आपके पास 5 गाड़ियाँ भी है तो आप इजिली इस घर के अंदर पार्क कर सकेंगे। प्लस साथ ही जैसे फ्रंट पे हमने ग्रीन एरिया देखा, यहाँ भी प्रॉपर आपको ग्रीनरी के लिए जगह दे दी गई है। यहाँ भी आप अपना अच्छा लोन मेंटेन कर सकते हैं, ग्रीन प्लांटेशन अच्छे से कर सकते हैं, मेंटेन कर सकते हैं। देन उसी के साथ में यहाँ पे अपने को वाटर टैप्स मिल जाती हैं, आप देख सकते हैं। देन आगे बढ़ते हुए अगर हम देखते हैं, जैसे आपको बताया कि भाई वुडन का बखूबी इस्तेमाल किया गया है हमारी एलिवेशन के अंदर, आप देख सकते हैं। देन यहाँ भी आप देख सकते हैं जो फ्रंट एलिवेशन है, काफी अच्छी लाइटिंग का इस्तेमाल किया गया है, जो आपको नाइट शॉट में देखने को मिलेगा कि बहुत अच्छी लाइटिंग का बखूबी इस्तेमाल किया गया है इसकी एलिवेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको शो करूंगा, यहाँ पे आपको मिल जाता है स्मार्ट लॉक। जी हाँ, स्मार्ट लॉक आपको प्रॉपरली यहाँ पे इंस्टॉल करके दिया जा रहा है, प्रॉपर एक वाइड एंट्रेंस के ऊपर। आप देख सकते हैं विड्थ काफी ज्यादा है हमारी एंट्रेंस की। तो गाइस आप देख सकते हैं अमेजिंग फीलिंग है इसकी एंट्रेंस के ऊपर ही। सबसे पहले आप देख सकते हैं फ्लोरिंग के ऊपर इटालियन फ्लोरिंग आपको देखने को मिलेगी सारी की सारी। देन जैसे ही एंटर करते हैं,
एक आप डाउन सीलिंग देख सकते हैं, बहुत ही अमेजिंग तरीके से इस्तेमाल में लेके आए हैं। देन राइट हैंड साइड पे सबसे पहले हमारा आता है लिफ्ट एरिया। जी हाँ, पर्सनल लिफ्ट आपको इस घर के अंदर मिलने वाली। अभी तो बहुत चीजें जो आपको पर्सनल मिलने वाली है। अगर थोड़ा सा आपको बताना चाहूँ तो इस घर के अंदर स्विमिंग पूल भी आपको मिलने वाला है। जी हाँ, अमेजिंग स्विमिंग पूल एंड अमेजिंग गार्डन एरियाज अभी बहुत है इस घर के अंदर जो आपको फील कराने वाले हैं ग्रीनरी का। तो गाइस, ये जो लिफ्ट है सबसे पहले 6 पैसेंजर्स के लिए ये लिफ्ट यहाँ पे इंस्टॉल कर दी गई है, फैमिली मेंबर्स के लिए आपके, जो कि टॉप तक आपको सर्व करेगी। देन जैसे ही एंटर करते हैं, सबसे पहले हम चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड, शो करते हैं आपको पाउडर रूम, जो कि ब्लैकेस्ट थीम के साथ यहाँ पे इस्तेमाल में लेके आए हैं। अगर सैनिटरी फिटिंग्स की बात करेंगे, कोलर ब्रांड की टॉप मोस्ट जो सैनिटरी फिटिंग्स हैं उनको इस्तेमाल में लेके आए हैं। मिरर आप देख सकते हैं, प्रॉपर आपको वेंटिलेशन का प्रोविजन दे दिया इन्होंने। तो कंप्लीट वॉशरूम आपको ऐसा पाउडर रूम मिल जाता है। देन जो आपके गेस्ट होंगे उनको कैसे बोल सकते हैं गाइस, उनके लिए स्पेशल ड्राइंग रूम बनाया गया है रेड कारपेट के साथ। अमेजिंग वाइट एरिया के अंदर आप देख सकते हैं ये ड्राइंग एरिया तैयार किया गया है। यहाँ पे इजिली 18 से 20 पर्सन बैठ के सिटिंग कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। आपके फैमिली फ्रेंड्स हैं, बिजनेस फ्रेंड्स हैं, उनके लिए एक परफेक्ट स्पेस इस घर के अंदर एंट्रेंस के ऊपर दे दी गई है। डाउन सीलिंग की बात करते हैं, आप देख सकते हैं लाइटिंग कितने अच्छे से इस्तेमाल की है। शैंडलियर अमेजिंग तरीके का व्हाइट लाइटिंग के साथ व्हाइट हाउस का आपको एक फील देगा इस ड्राइंग एरिया के अंदर। देन वॉल वर्क के ऊपर आर्ट वर्क काफी बखूबी तरीके से इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं दोनों साइड में लैंप्स दे दिए गए हैं, पीओपी वर्क काफी अच्छा है। स्मॉल टेबल्स आप देख सकते हैं कॉर्नर्स के ऊपर इंस्टॉल किए गए हैं, जिसके ऊपर अलग अलग थीम आपको शो की गई है एक पॉजिटिव फील, पॉजिटिव वाइब बनाने के लिए। तो गाइस, कैसा लगा अभी तक का आपको ये विला का कंसेप्ट, कमेंट साथ साथ करते रहिए कि हम आपको और अच्छी चीजें ऐसे ही दिखाते रहें। और इसी के साथ में अभी खत्म नहीं हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइट वेंटिलेशन का प्रॉपर प्रोविजन है, आपको पूरी विंडो मिल जाती है यहाँ पे लाइट वेंटिलेशन के लिए। और ये जो कर्टन्स हैं ये सारे ऑटोमेशन के साथ है। बताना चाहूँगा इस घर के अंदर जितने भी कर्टन्स हैं सारे ऑटोमेशन के साथ है, जितनी भी लाइटिंग है वो सारी स्मार्ट लाइटिंग इस्तेमाल की गई है, सारी ऑटोमेशन के साथ इस्तेमाल की गई है। और अगर स्विचेस की भी बात करोगे, आप देखिए अमेजिंग तरीके के स्विच आपको देखने को मिलेंगे। तो गाइस, ये विला बहुत ही लग्जरी है, लग्जरी कंसेप्ट के अंदर बनाया गया है, आप जैसे लग्जरियस पर्संस के लिए। तो गाइस आइए आगे बढ़ते हैं। देन जैसे ही आगे बढ़ते हैं, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी नजर जाती है इस ग्रीन एरिया के तरफ, जो कि घर के अंदर ही आपको ग्रीनरी दे दी गई है। देखिए तो प्रॉपर आपकी ऑक्सीजन का ध्यान रखा है इन्होंने कि आपको प्रॉपर टाइम टू टाइम अच्छी ऑक्सीजन पॉजिटिविटी मिलती रहे। दोनों साइड पे काफी अच्छी ग्रीनरी दे दी गई है। जैसे ही दो स्टेप हम अप आते हैं तो हम आते हैं हमारे फैमिली लॉन्ज की तरफ। लेकिन फैमिली लॉन्ज से पहले आपको दिखाना चाहूंगा, डबल हाइट की एंट्रेंस है, यहाँ पे एक आर्टिफिशियल प्लांट दे दिया गया है। देन डबल हाइट एंट्रेंस के साथ आप देख सकते हैं शैंडलियर, जो कि अमेजिंग तरीके का शैंडलियर यहाँ पे इस्तेमाल में लेके आए हैं। प्लस अभी हम देखते हैं हमारा फैमिली लॉन्च, जो कि बहुत अच्छे तरीके से बहुत बड़ा एरिया यहाँ पे डेडिकेट किया गया है हमारे फैमिली लॉन्च को। फैमिली मेंबर इजिली यहाँ पे बैठ के अपना टाइम इकट्ठे स्पेंड कर सकेंगे। राउंड टेबल यहाँ पे दे दिया गया है, प्लस बहुत ही कंफर्टेबल यहाँ पे फैमिली लॉन्च बनाया गया है। आप देख सकते हैं सामने हमारा टीवी पैनल आ गया, जहाँ पे नीचे काफी अच्छी स्टोरेज है, एक बड़ा LED यहाँ पे आप प्लान कर सकोगे अपने नीड के अकॉर्डिंग, तो आपको प्रॉपर स्पेस मिल जाती है। प्लस साइड में लाइटिंग वर्क काफी अच्छा है, जो कि और भी ज्यादा खूबसूरत बनाता है हमारे इस विला को। प्लस हर एक कॉर्नर पे घर के हर एक वॉल को बहुत अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है, डेकोरेट किया गया है। देन गाइस, यहाँ पे कुछ अमेजिंग फीचर हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे आपको देखने को लगेगा ये हमारी किचन है, ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है। जी हाँ, आप सही हैं, ये हमारा ब्रेकफास्ट काउंटर है। जब भी हम जल्दी में होते हैं तो जल्दी खाना खाना होता है, सुबह सुबह हर एक पर्सन को जल्दी होती है, तो यहाँ बैठ के हम अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। तो गाइस, ब्रेकफास्ट काउंटर तो ये है, ये सबको दिख रहा है कि ब्रेकफास्ट काउंटर है, लेकिन इसके अलावा भी यहाँ एक अमेजिंग चीज हमने इंस्टॉल की है। जी हाँ, क्योंकि देखो गेस्ट आएंगे, लग्जरियस घर है, तो ऐसे गेस्ट भी आएंगे जिनको ड्रिंक का शौक है, तो उनको मना तो कर नहीं सकते, तो उनके लिए हमने हिडन बार बनाई है। जी हाँ, हिडन बार आपको यहाँ कहीं दिख रही है? नहीं, तो आइए अभी दिखाते हैं। तो ये है जादू का पिटारा, जिनको ड्रिंक का शौक है उनके लिए स्पेशल ड्रिंक्स आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं।
तो कैसा लगा ये कंसेप्ट कमेंट में जरूर बताइए कि स्पेशली बार का एरिया जो हमने डिजाइन किया वो आपको कैसा लगा, क्योंकि ये फीचर न्यू चंडीगढ़ की किसी विला में आज तक आपने नहीं देखा है। हो सकता है इन फीचर इंस्टॉल हो जाए, लेकिन अभी तक तो नहीं देखा है, मैंने तो नहीं देखा है गाइस। तो आइए आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी आपको ब्रेकफास्ट काउंटर दिखाया, आगे चलते हैं। किचन से पहले हमारा आ गया डाइनिंग एरिया, और यहाँ पे जो डाइनिंग स्पेस है ये भी कोई ओवल शेप में या फिर स्क्वायर शेप का हमने यूज नहीं किया है। ये देखिए एक रेक्टेंगल शेप का हमने यहाँ पे डिजाइन किया है अपना डाइनिंग टेबल, जो कि 8 सीटर है। प्रॉपर मार्बल वर्क के साथ इसको तैयार किया गया है, प्लस डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं इससे मिलती जुलती हमने तैयार करी है। राइट हैंड साइड पे वॉल वर्क काफी अच्छे से तैयार किया है, यहाँ पे टेक्सचर पेंट आ जाता है। देन यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी स्टोरेज आती है दोनों साइड। इसी के साथ यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी स्टोरेज दे दी गई है जो कि हमारी नीड्स को फुलफिल करेगी। तो अमेजिंग किचन के साथ एक डाइनिंग टेबल का कंसेप्ट दिया है, 8 सीटर डाइनिंग टेबल का। उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्पेस यहाँ पे बाकी है। तो 300 गज का घर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन फील आपको 500 गज की डेफिनेटली आने वाली है। देन नेक्स्ट बढ़ते हैं गाइस, ये हमारी आगे किचन। आप देख सकते हैं इंटीरियर वर्क हर एक पार्ट के अंदर इस्तेमाल किया गया है। सबसे पहले पूरी यू शेप के अंदर ये हमारी किचन आ जाती है, प्री इंस्टॉल्ड फेवर की चिमनी होब आ जाता है, प्लस सारे कैबिनेट्स आप देख सकते हैं बखूबी बनाए हैं, पूरे नॉइस फ्री हैं, लाइटिंग का बखूबी इस्तेमाल किया गया है। इसी के साथ में जो हमारे अप्लाइंसिस होते हैं उनको इस साइड में प्रॉपरली प्री इंस्टॉल्ड करके दे रहे हैं। माइक्रोवेव OTG आप देख सकते हैं प्री इंस्टॉल्ड है, ये देख सकते हैं फ्रूट बकेट्स यहाँ पे दे दी गई हैं। इसी के साथ गाइस अमेजिंग पेंट्री स्टोरेज यहाँ पे बना रहे हैं, साथ ही साथ ये आ गया आपका आ गया प्री इंस्टॉल्ड रेफ्रिजरेटर। तो अमेजिंग किचन है, कंप्लीट किचन है आपके लिए, लेकिन ये हमारी अभी कंप्लीट किचन नहीं है, ये हमारी ड्राई किचन है। वेट किचन की तरफ अभी हम आपको लेके चलेंगे, आइए। ये हमारी वेट किचन है जो कि अभी जैसे ये जस्ट अभी विला तैयार हुआ है सबसे पहले, लेकिन हम आपको दिखाना चाहते थे इसलिए हमने स्पेशल अप्रूवल दी है वीडियो बनाने की। यहाँ पे हमारा वेट किचन आ जाएगा डबल टैंक एरिया के साथ। देन आइए आगे बढ़ते हैं। तो अभी आपको कुछ नॉइस आई होगी वोटर की, जी हाँ, एक स्पेशल थीम है जो आपको लोगों के लिए बनाई है, आप देख सकते हैं। वोटर थीम घर के अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी देती है, रनिंग बोर्ड को स्पेशली। तो स्पेशली पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए हमने और इस स्पेस को और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए ये इंस्टॉल किए हैं। प्लस यहाँ पे वोटर टैब भी मिल जाती है आपको। तो गाइस कैसा लगा ये कंसेप्ट जरूर बताइए। और इसी के साथ में हम यहाँ पे आपको स्टेयरकेस दे रहे हैं, आयरन स्टेयरकेस जो कि टॉप फ्लोर तक जाती है और आपके सर्वेंट रूम को अटैचमेंट देती है। तो आपका जो सर्वेंट होगा ग्राउंड फ्लोर से डायरेक्टली टॉप फ्लोर तक रीच कर जाएगा, आपकी डेली नीड्स में हेल्प भी कर पाएंगे और उतना रेस्ट भी कर पाएंगे। और साथ ही गाइस इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे भी काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग इस्तेमाल में लेके आए हैं, लाइट वर्क काफ़ी अच्छा है जो कि नाइट शॉट्स में आपको और भी खूबसूरत दिखेगा। और इसी के साथ में छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो विला को और भी ज़्यादा खूबसूरत और प्लानिंग को दर्शाती है, ऐसे ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका सिलेंडर आ जाएगा, उसको आप कवर भी कर सकेंगे। तो आपका अंदर आपको सिलेंडर रखने की जरूरत नहीं है, आप घर के बाहर में ही इजीली अपना सिलेंडर इस्तेमाल कर सकेंगे। तो गाइस कैसा लग रहा है आपको ये हमारा आज का टूर? होपफुली हर एक चीज़ पसंद आ रही होगी आपको, आपका दिल कर रहा होगा कि पूरी वीडियो जरूर देखें, तो स्किप करने का तो मतलब ही नहीं है। अभी चलते हैं हमारे बेडरूम की तरफ। जी हाँ, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर हमारा एक बेडरूम है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर हम आपको 3 बेडरूम शो करेंगे। टोटल 4 बेडरूम्स है, प्लस सर्वेंट रूम है, प्लस पूल है, प्लस लिफ्ट है, प्लस और भी एंटरटेनमेंट के एरियाज हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख सकते हैं डोर मिल जाता है अपने को। देन एक स्पेशियस बेडरूम है, ये नहीं है कि बेडरूम है, एक स्पेशियस बेडरूम है गाइस, बहुत ही ज्यादा स्पेस आप देख सकते हैं। फुल लेंथ बेड लगाने के बाद दोनों साइड में काफी अच्छी स्पेस है, दोनों साइड में स्टोरेज मिल जाती है, आपको लैंप्स लगा के दिए जा रहे हैं। प्लस साथ ही साथ बेड की जो बैक वॉल है आप देख सकते हैं POP के साथ कंप्लीट डिजाइनिंग आपको मिल जाती है, सेम डिजाइनिंग आपको LED पैनल में मिल जाती है, TV पैनल में मिल जाती है। तो एक प्रॉपर थीम के साथ इस बेडरूम को डिजाइन किया गया है, जैसे थीम बेड का है वैसा ही बैक वॉल का LED पैनल का है। प्लस इसी के साथ में यहाँ पे आपको मिल जाता है मैश डोर एंड मेन डोर, काफ़ी अच्छी विंडो मिल जाती है लाइट वेंटिलेशन के लिए। प्लस जो कर्टन्स हैं सारे ऑटोमेशन के साथ हैं, रिमोट कंट्रोल के साथ हैं गाइस, जितनी भी लाइटिंग है सारी रिमोट कंट्रोल के साथ है।
शैंडलियर आप देख सकते हैं, डायमंड कट शैंडलियर आपको यहाँ को देखने को मिलेगा। लाइटिंग बहुत परफेक्ट है पूरे विला के अंदर जो इंस्टॉल की गई है। उसी के साथ में बेड है, स्पेस है और एक्स्ट्रा स्पेस ये भी है गाइस, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी आप मिनी टेबल इंस्टॉल कर सकते हैं, चाय कॉफी का मजा ले सकते हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। उसी के साथ गाइस अटैच ड्रेसर प्लस वॉशरूम। सबसे पहले आप देख सकते हैं दोनों साइड पे ड्रेसर्स मिल जाते हैं अपने को, और ड्रेसर के अंदर आपको लाइटिंग वर्क देखने को मिलेगा कंप्लीट व्हाइट थीम के साथ तैयार किया गया इस बेडरूम को, वॉशरूम को। बहुत ही ज़्यादा स्पेशियस है आपके ड्रेसर एरिया के लिए। यहाँ पे मिरर मिल जाता है आपको। उसी के साथ कोलर ब्रांड की फिटिंग्स आपको देखने को मिलेगी, बिग मिरर देखने को मिलेगा, और बाथिंग स्पेस को शावर एरिया को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। कंप्लीट फिटिंग्स आपको बेस्ट ब्रांड्स की देखने को मिलेंगी, प्लस आपके सीट एरिया को बिल्कुल सेपरेट कर दिया गया है। लाइट वेंटिलेशन का प्रॉपर ध्यान रखा गया है, फॉल सीलिंग का यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी। ये जो पूरा घर है ये पूरा सेंट्रलाइज्ड एसी के साथ तैयार किया गया है, तो आपको हॉट एंड कूल टेक्नोलॉजी इस पूरे घर के अंदर हमेशा मिलने वाली है। तो गाइस ये हमने देखा हमारा ग्राउंड फ्लोर का टूर, डबल हाइट की एंट्रेंस पहले भी आपको दिखाई थी, अब अगेन आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं स्टेयर केस टफन्ड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है, प्लस यहाँ पे अमेजिंग टाइल वर्क आपको देखने को मिलेगा हमारे स्टेप्स के ऊपर स्टेयर केस के। आइए आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जैसे पूरी व्हाइटिश थीम है इस पूरे विला के अंदर, आप देख सकते हैं स्टेयर केस के अंदर वॉल के ऊपर भी पूरा इटालियन वर्क किया गया है। देन ये शैंडलियर आप देख सकते हैं, अमेजिंग फील देता है, एक बहुत ही अच्छी पॉजिटिविटी देता है व्हाइट लाइटिंग के साथ। फॉल सीलिंग देख सकते हैं आप कितनी अच्छी की गई है यहाँ पे। देन शैंडलियर इसकी खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। तो यहाँ फर्स्ट फ्लोर के ऊपर एंट्रेंस लॉबी आप देख सकते हैं, अगेन यहाँ पे भी सिटिंग एरिया आपको दे दिया गया है। ये नहीं है कि सिटिंग के लिए आपको नीचे ही जाना पड़ेगा, आप ऊपर भी बैठ के एंजॉय करते हैं। देन यहाँ पे थ्री बेडरूम्स का कंसेप्ट है। आइए चलते हैं फर्स्ट बेडरूम की तरफ, लेकिन उससे पहले आप देख सकते हैं हर एक बोल को डेकोरेट करने की कोशिश की गई है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। ये है हमारा सेकंड बेडरूम इस विला का। अगेन जैसा फर्स्ट बेडरूम आपको दिखाया था स्पेशियस, उतना ही स्पेशियस ये हमारा सेकंड बेडरूम होने वाला है। अगेन बेड के दोनों साइड में स्टोरेज दे दी गई है आपको, लैंप्स दे दिए गए हैं, प्लस स्मार्ट लाइटिंग दे दी गई है, स्पीचेस आप देख सकते हैं। देन ऊपर फोर सीलिंग देखिए, डाउन सीलिंग इसमें बहुत ही अमेजिंग तरीके से डाउन सीलिंग का इस्तेमाल किया है। सेटेलाइट एसी तो है ही पूरे विला के अंदर, वो पहले मैं आपको बता चुका हूँ। प्लस यहाँ पे आपको प्रॉपर लाइट वेंटिलेशन मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे मैश डोर और ग्लास डोर मिल जाते हैं, विंडोज मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं हमारी अनदर बालकनी आ गई, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी रहने वाली है। यहाँ से मेन एंट्रेंस है और हमारे थर्ड बेडरूम से भी एंट्रेंस रहेगी इस विला के, आप देख सकते हैं। प्लस ये स्टेयरकेस आप देख सकते हैं आयरन की, जो हमने दिखाई थी आपको ग्राउंड फ्लोर से हमारी जा रही है टॉप फ्लोर की तरफ। तो एक फुल लेंथ बालकनी यहाँ पे भी दे दी गई है, और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं फुल सीलिंग का वर्क, लाइटिंग वर्क काफी अच्छा है, प्लस टैब हमें दोनों साइड पे मिल जाती है वाटर सप्लाई के लिए। तो अमेजिंग फीचर्स के साथ है ये विला। तो अभी बालकनी देखी आपने, और देख सकते हैं बेड काफी ज्यादा स्पेशियस है, काफी बड़े बेड का इस्तेमाल किया गया है। ये नहीं कि स्मॉल बेड है, फिर भी बहुत ज्यादा स्पेस है। और साथ में यहाँ पे भी अगेन डबल चेयर दे दी गई है, जैसे ग्राउंड फ्लोर पे हमने आपको शो किया था। और जो इसकी LED पैनल की जगह है, ये कुशनिंग आप देख सकते हैं, लेदर कुशनिंग यहाँ पे इस्तेमाल में लेके आए हैं, सेम बेड के साथ मैचिंग कर दी गई है। बड़े साइज का TV आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। अगेन जैसे ग्राउंड पे वॉशरूम देखा था, फुल साइज वॉशरूम था, सेम यहाँ पे भी आप देख सकते हैं। आप वाइट एंड ब्लू थीम के साथ लाइटिंग वर्क के साथ यहाँ पे तैयार किया गया है, प्लस मिरर आप देख सकते हैं, फुल लेंथ मिरर आपको मिल जाता है यहाँ पे। उसी के साथ में यहाँ पे सैनिटरी फिटिंग्स मिल जाती है आपको, कॉलर की टॉप ब्रांड के अंदर कॉलर का नाम आता है, प्लस LED बहुत अच्छे से इस्तेमाल की गई हैं, और बाथिंग एरिया को यहाँ भी सेपरेट कर दिया गया है। तो गाइस अमेजिंग फीचर्स के साथ विला को तैयार किया गया। अगर आपका ड्रीम हाउस ऐसा ही है तो क्यों ना यही हो, तो जल्दी आइए, जल्दी विजिट कीजिए और इस विला को अपना बनाइए। फर्स्ट फ्लोर का जैसे एक बेडरूम देखा है, तो सेकेंड बेडरूम की तरफ चलते हैं। अगेन एक स्पेशियस बेडरूम आपके लिए, फुल साइज बेड लगाने के बाद दोनों साइड अगेन स्टोरेज आ गई। फॉल सीलिंग वर्क आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अमेजिंग तरीके से इस्तेमाल किया गया है, प्लस स्मॉल शैंडलियर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, बहुत बाखूबी तरीके से इंस्टॉल किया गया है, प्लस सेंट्रलाइज्ड AC के डक्ट आप देख सकते हैं। LED पैनल के लिए अमेजिंग फुल लेंथ आपको मिल जाती है यहाँ पे स्पेस। बेडरूम के साथ
वॉकिंग डिस्टेंस बहुत है, आप देख सकते हैं हमारे सोफा चेयर्स के अंदर एंड बेड के अंदर। यहाँ पे एक स्मॉल टेबल भी दिया गया है। तो गाइस इसी के साथ अटैच वॉशरूम की तरफ चलते हैं। अगेन यहाँ पे वार्डरोब मिल जाते हैं जो कि स्लाइडर वार्डरोब रहने वाले हैं। आप देख सकते हैं फुल लेंथ मिरर आ जाता है। देन सैनिटरी फिटिंग्स, अगेन अलग तरीके की सैनिटरी आपको देखने को मिलेगी यहाँ पे। प्लस बाथिंग एरिया को शावर एरिया को बिल्कुल सेपरेट अगेन कर दिया गया है। प्लस यहाँ पे हमारी सीट आ जाती है। उसी के अलावा लाइट वेंटिलेशन का प्रॉपर प्रोविजन है। तो कंप्लीट फैसिलिटीज के साथ इस विला को तैयार किया गया है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ। और इसी के साथ ये जो कर्टन्स देख रहे हैं, इसके पीछे सेम बालकनी का वे आ जाता है जो भी हमने आपको लास्ट बेडरूम के साथ शो की थी। तो आइए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट की तरफ। होपफुली आपको विला पसंद आ रहा होगा, बार बार मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद आ रहा है आपको दिखाना और इस विला को देखना, क्योंकि पहले मैंने भी नहीं देखा, वीडियो के साथ साथ ही देख रहा हूँ। तो गाइस अभी हमने दो बेडरूम देखे हमारे फर्स्ट फ्लोर के। ये सिटिंग एरिया पहले मैं आपको दिखा चुका हूँ जैसे ही हम ऊपर आए थे। तो गाइस इसी के साथ में एक हिडन स्पेस यहाँ भी मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे स्टेयर केस है, उसकी वजह से स्पेस बच गई थी, लेकिन इसको हमने कवर कर दिया। आप इसको यूटिलाइजेशन के अंदर लेके आ सकते हैं जैसे आप चाहते हैं। तो गाइस इसी के साथ में ये हमारी लिफ्ट आ गई और राइट हैंड साइड में हमारा आ गया फोर्थ बेडरूम ऑफ दिस विला। एंट्रेंस के ऊपर आपको वॉशरूम मिल जाता है, आप देख सकते हैं कंप्लीट वॉशरूम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अगेन सभी बेस्ट सैनिटरी फिटिंग्स के साथ, बेस्ट प्रोविजंस के साथ। देन इसके साथ ही यहाँ पे आपको मिल जाती है वार्डरोब, इसको आप गेस्ट बेडरूम भी कह सकते हैं, क्योंकि ये बेडरूम बाकियों के मुकाबले हमने थोड़ा छोटा रखा है। तो ये पूरी वार्डरोब वगैरह आपको मिल जाती है, लेकिन बाकियों के मुकाबले छोटा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि काफ़ी छोटा है गाइस, क्योंकि दोनों साइड बहुत ज़्यादा स्पेस है। आप देख सकते हैं चेयर्स लगी हुई हैं उस साइड पे, और इस साइड भी चेयर्स इजीली रख सकते हैं अगर लगानी हो। लेकिन एक डिसेंट बेडरूम आपको देखने को मिलेगा, डाउन सीलिंग आप देख सकते हैं बहुत अच्छी है। प्लस LED पैनल यहाँ भी आपको देखने को मिल जाएगा। इसी के साथ में गाइस आपको यहाँ लाइट वेंटिलेशन का कोई भी इशू नहीं आने वाला, क्योंकि यहाँ पे हमारी फ्रंट बालकनी आती है, फ्रंट साइड की आप देख सकते हैं। जैसे अभी फ्रंट बालकनी आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस है यहाँ पे। आप देख सकते हैं शाम का अभी टाइम हुआ है अप्रोक्सीमेट 4:30 का, तो काफ़ी अच्छी धूप यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। आप यहाँ भी सिटिंग एरिया बना सकते हैं, बैठ सकते हैं, प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए वॉल भी कर दी गई है। प्लस यहाँ पे ग्लास वर्क है, टफ एंड ग्लास। सामने का नज़ारा बहुत ही खूब है, बहुत अच्छी ग्रीनरी है सामने इस पूरे ओमैक्स न्यू चंडीगढ़ एरिया के अंदर। तो अमेजिंग फील देता है इसका हर एक पार्ट इस विला का, तो इसी फील में बने रहिए, आइए आगे बढ़ते। तो ये था हमारा लास्ट बेडरूम। तो इसी के साथ में हम आपको एक और बालकनी दिखाना चाहेंगे, जो कि हमारी फर्स्ट फ्लोर की फ्रंट साइड की बालकनी है। यहाँ भी टफ एंड ग्लास का इस्तेमाल किया गया है। आप देख सकते हैं जो हमने नीचे से एलिवेशन का पार्ट देखा था वुडन वर्क, यहाँ पे बाखूबी आप देख सकते हैं पूरा वुडन वर्क किया गया है। देन सामने का नज़ारा दोबारा से आप देख सकते हैं, नीचे का नज़ारा आप देख सकते हैं बाखूबी। प्लस नाइट शॉट में ये और भी चांद चांद लगा देगा, आपको दिखाएंगे हम, शो करेंगे। तो आइए अभी आपको लेके चलते हैं एक और फ्लोर की तरफ, सेकंड फ्लोर की तरफ। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए फ्रेंड। अमेजिंग लिफ्ट है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा मिरर वर्क है, साइड में भी ब्लैक प्लस सिल्वर वर्क है काफ़ी अच्छे से, और पोलो कंपनी की लिफ्ट है। आइए सेकेंड फ्लोर पर मिलते हैं। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं हमारे सेकेंड फ्लोर की तरफ। आपको थोड़ा यहाँ डस्टी दिखेगा क्योंकि अभी काम चल रहा है, जैसे मैंने आपको किचन में भी एक्सप्लेन किया था कि अभी थोड़ा काम चल रहा है, एक दो दिन का काम पेंडिंग है जस्ट फिनिशिंग का। सबसे पहले यहाँ पे फ्रंट साइड से हमारा ग्लास वर्क आ जाता है कि लाइट वेंटिलेशन के लिए। प्लस फुल लेंथ आप देख सकते हैं मिरर आ जाता है। उसी के साथ में गाइस ये अमेजिंग स्पेस आपको देखने को मिलेगी, हमारा स्नूकर टेबल आ जाएगा यहाँ पे, प्रॉपर सिटिंग एरिया दे दिया गया आपको। स्नूकर टेबल के साथ आप खेलते करते इंजॉय कर सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं। उसी के साथ में यहाँ पे आ जाता है हमारा पेंट्री एरिया, स्मॉल पेंट्री आपको यहाँ पे दे दी गई है, चाय कॉफी आप यहीं प्रिपेयर कर सकेंगे। देन अगेन जैसे स्नूकर टेबल है ऐसे ही आपके लिए यहाँ पे आ जाता है जकूजी। जी हाँ, परफेक्ट जकूजी आपको इंस्टॉल करके दिया जा रहा है। वॉशरूम यहाँ पे आपको मिल जाता है, सीट मिल जाती है। देन गाइस जैसे ही एंटरटेनमेंट जोन हमने बनाया है, तो कहीं ना कहीं माइंड में आता है कि भाई होम थिएटर तो है नहीं, क्या करेंगे ऐसे एंटरटेनमेंट का। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है, आपके लिए प्रॉपर एक प्रोविजन दे दिया है होम थिएटर का। अभी यहाँ पे हमारा काफ़ी सामान पड़ा है क्योंकि जस्ट फिनिशिंग चल रही है अभी,
दो से चार दिन में ये क्लीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप पूरा अपना होम थिएटर सेटअप कर सकते हैं, हमने आपको प्रोविजन दे दिया है। इसी के साथ गाइस इस साइड में हमारा एक सिटिंग एरिया आता है, ओपन सिटिंग एरिया आप यहाँ पे बना सकते हैं क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन रहती है आपकी, तीनों तरफ दीवारें आती है। प्लस यहाँ से आप देख सकते हैं वो आयरन स्टेयर केस आ गई यहाँ से इस बालकनी के थ्रू, जो कि हमारे सर्वेंट रूम की अटैचमेंट है। यहाँ पे सर्वेंट रूम मिल जाता है प्लस अटैच वॉशरूम के साथ, कि आपके जो सर्वेंट है वो इजिली यहाँ पे रेस्ट कर सके, देन आपकी हेल्प कर सके। इसके अलावा एक बहुत अच्छी स्पेस दे दी गई है इस फ्लोर के ऊपर। हाँ, लेकिन आपके माइंड में क्वेश्चन होगा कि पूल कहाँ गया, पूल भी दिखाएंगे आपको गाइस। आइए, ऐसी बात नहीं है कमिटमेंट की ये पूरी नहीं करेंगे। तो गाइस एक अमेजिंग जगह है, जैसे मैंने जिक्र किया, तो आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड बहुत अच्छा लोन एरिया बनाया गया, ग्रीन एरिया बनाया, ग्रीन सेटअप किया गया है। गेंदे के फूल आप देख सकते हैं, बहुत अच्छी ग्रीनरी आप देख सकते हैं दोनों साइड में। तो एक आपके लिए सुबह मॉर्निंग में आप यहाँ बैठ के आनंद ले सकते हैं अपनी लाइफ का, एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा अच्छी ग्रीनरी आपको आपके इस एंटरटेनमेंट जोन एरिया के साथ सेकंड फ्लोर पे दे दी गई है। कैसा लगा ये अमेजिंग आइडिया, रूफटॉप का आइडिया, आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये रूफटॉप आपको स्पेशली कैसा लगा। तो आइए अभी नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइज जो हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको बोला था कि नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, अभी आ चुके हैं हमारे अमेजिंग नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीनरी आपको दिख रहा है, अगर यहाँ पे दिख रहा है तो यहाँ भी देखो गाइस, चारों तरफ आपको ग्रीन एरिया ग्रीनरी देखने को मिलेगी। इसी के साथ में ग्रीनरी को मेंटेन किया गया है, प्लस लाइटिंग इफेक्ट बढ़ाने के लिए हमने स्मॉल सोलर पॉइंट्स का इस्तेमाल किया गया है। सोलर लाइटिंग आप देख सकते हैं जो कि आपको अंधेरे में अमेजिंग फील देने वाले हैं, इस विला के अंदर लग्जरी फील आपको एहसास कराने वाले हैं। प्लस उसके साथ ही जो आपसे कमिटमेंट थी कि आपको इस विला के अंदर पूल भी मिलने वाला है, आप देख सकते हैं पर्सनल पूल ऑफ दिस विला, आप देख सकते हैं रनिंग वाटर अलग ही फील दे रहा है, पॉजिटिविटी दे रहा है। प्लस चारों तरफ यहाँ भी ग्रीनरी आपको देखने को मिलेगी, फ्लावर्स देखने को मिलेंगे बहुत ब्यूटीफुल। इसी के साथ में गाइस इस रूफटॉप को बहुत ही अमेजिंग बनाया गया है, प्लस हीट पंप आपको दे दिया गया है। उसके साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं शावर एरिया आपको यहाँ पे मिल जाता है। तो अमेजिंग रूफ को अमेजिंग तरीके से डेवलप किया है, प्लान किया गया हमारे बिल्डर्स की तरफ से। इसी के साथ में आपको यहाँ पे भी एक स्मॉल पेंट्री दे दी गई है, आप सामने देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्मॉल पेंट्री मिल जाएगी। तो गाइस ऐसे विलास कंसेप्ट देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइव साइट विजिट इंस्टाग्राम पेज फॉलो कीजिए, फेसबुक पेज पे फॉलो कीजिए स्मॉल रील्स के लिए, कंसेप्ट के लिए। प्लस अगर आप इस विला को अपना बनाना चाहते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज और देखना चाहते हैं, तो हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कीजिए, ओपीसी ग्रुप की टीम हमेशा आपकी सेवा में हाजिर है बेस्ट डील बेस्ट सर्विस के लिए। तो गाइस इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि आपकी जो फीडबैक होती है हमारे लिए बहुत जरूरी होती है, हम नेक्स्ट टाइम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के अंदर। थैंक यू।